सरयू एक्सप्रेस में महिला मुख्य आरक्षी पर हमले के मामले में पुलिस ने एक अपराधी अनीस को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर में अपराधी अनीस ढेर हुआ है। उसके दो अन्य साथी भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ में एसओ पूरा कलंदर रतन शर्मा व दो अन्य सिपाही के भी घायल होने की सूचना है। क्षेत्र के थाना पूरा कलंदर के छतरीवा पारा कैल मार्ग पर मुठभेड़ हुई है। इसी मामले में थाना इनायत नगर से दो अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। यही कहना चाहते हैं कि आज इनको तीन आरोपियों को एक को मार गिराए हैं, दो जो मिले हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमको योगी की सरकार में हमें बहुत सफलता मिली है और आज मन को सुकून मिला है। जिस तरह से घटना हुई थी, जिस तरह से गंभीर रूप से अभी भी उनका इलाज चल रहा है, तो लगा था कि सरकार किस तरह से कदम उठाए और आज जो हुआ है उससे क्या लगा? आज हम लोग को पहले से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आरोपी पकड़े गए हैं और पहले एक आरोपी मारा गया एनकाउंटर में और दो आरोपी पकड़े गए हैं और जो है उनको खोज करें और कड़ी से कड़ी। महिला सिपाही पर हमला करने वाले बदमाश के एनकाउंटर पर पीड़ित महिला सिपाही के परिवार में खुशी का माहौल है। प्रयागराज के सोराव में पीड़ित महिला सिपाही का परिवार रहता है। महिला सिपाही के भाई और भाभी पुलिस की इस कार्रवाई से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पुलिस की ये कार्रवाई बदमाशों के लिए नजीर बनेगी। तो आपको थोड़ा खुशी तो हुई होगी? बहुत खुशी हुई है। आपसे मुलाकात हुई है आपकी दीदी? हाँ दीदी, 16 तारीख से हम लोग बात करके आए थे शाम को। तो अब वो आपसे उन्होंने कुछ बताया था? नहीं, इस बारे में नहीं बताया था, पर बहुत ठीक है। अच्छा, तो आज जिस तरह से कैसे आपको खबर मिली कि जो आरोपी उनका एनकाउंटर हुआ है? हम लोग सुबह टीवी में देखे तो पता चला। तो आप योगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये इंसाफ जो हुआ है उससे खुश हैं? बहुत।